बसमिल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रैटस रैटस प्रोवाइड्स एन रेपड डेवलपमेंट इन स्माल स्मॉल स्माल के केस में जो है वो रेपड प्रोवाइड करते हैं ज़बरदस्त किस्म के एग्जाम्पल रेपड डेवलपमेंट के हवाले से जब बर्थ होती है यंग रैटस की तो नेकड होता है ठीक है उसकी आइज और उसकी जो एयर ओपनिंग है वो क्लोज्ड होती है ठीक है लिटल चेंज अपेरेंस में नजर आते हैं फर्स्ट टू डेज में फर्स्ट टू डेज की अगर बात की जाए फर्स्ट टू डेज में लिटिल चेंज अपेरेंस नजर आते हैं ठीक है थर्ड डे में डोरसल जो सरफेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है डार्क होना छोटे छोटे हेयर्स फाइन शॉर्ट हेयर्स देखे जाते हैं और वीक क्रॉलिंग मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है थर्ड डे में और इसके साथ साथ पिगमेंटेशन हो जाती है पिगमेंटेशन होती है पिगमेंटेशन पर होती है नोस बैक और टेल के ऊपर नोस बैक और इसके साथ साथ टेल पर जो है वो पिगमेंटेशन होती है। ये उस वक्त होता है जब फिफ्थ डे आ चुका होता है पिगमेंटेशन पिगमेंटेशनो बैक और टेल पर कब होती है एट द फिफ्थ डे फिफ्थ डे पर क्या होता है पिगमेंटेशन हो जाती है नो नोस बैक और टेल पर क्लियर है अब नेक्स्ट फ्यू डेज के दौरान यंग जो होता है वो फुली हेयर्ड हो जाता है थर्ड डे में शॉर्ट फाइन ऑब्जर्व किए गए थे लेकिन अगर हम लोग फ्यू नेक्स्ट फ्यू डेज की बात करें नेक्स्ट फ्यू डेज की बात करें तो उसमें बेसिकली क्या होता है यंग बिकम फुली हेयर्ड यंग बी कम फुली हेयर्ड और जो नेक्स्ट अब फ्यू डेज के बाद नाइन्थ डे की बात करें ninth day पर जो lower ना वो erupt हो जाते है, ठीक है इतना क्या हो जाते हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाती है लोअर इन की इन साइजर्स ठीक है जबकि टेंथ डे की बात करें दसवें दिन की बात करें टें डे तो अपर इन साइजर की डिवेलपमेंट हो जाती है इसकी अपर इन साइजर की डेवलपमेंट हो जाती है आइस और जो ईयर चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं फिफ्टीन और सिक्सटीन डेज पर पंद्रह और सोलवे दिन पर क्या होता है जी आइस और ईयर चैनल्स क्या हो जाते हैं वो ओपन हो जाते हैं Eyes और इसके साथ साथ क्या है ईयर चैनल्स हो जाते हैं वो ओपन हो जाते हैं पंद्रह और सोलह दिन ठीक है स्पॉटिंग दी बॉडी ऑन द लेग्स एंड वॉकिंग इज एविडेंट फ्रॉम देंथ डेज एंड ऑनवर्ड दसवें दिन से जो है ना दसवें दिन से Legs और वॉकिंग में जो है ना लेग्स प्रोवाइड करती है मूवमेंट इन वॉकिंग ठीक है तो इस तरह से जो है ना वो बॉडी को सपोर्ट मिलती है किसमें वॉकिंग में दसवें डे दस से ऑनवर्ड क्लियर है अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सतारवें डे में जो यंग होते हैं वो क्लाइंबिंग जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं यानि कि हल्का फुल्का जो है ना वो चढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं सोलहवें दिन ठीक है सिक्सटीन डे में यंग क्लाइंब एजिली रन रेपिडली एंड गिव ऑल दस ऑफ यानी जो है ना दुली डेवलपमेंट किस डे में हो जाती है सतारवें डेरेंस अपेरेंस की बात हो रही है अपेरेंस लाइक एन अडल्ट क्लाइंबिंग भी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन एजिली रन कर रहा है ये रैपिडली रैपिडली क्लियर है अब सेवनटीन डेज तक हो गया यंग ने क्लाइंब क्लाइंस करना स्टार्ट कर दिया रन रैपिडली और इस तरह से जो है ना वो अडल्ट की अपेयरेंस भी इख्तियार कर चुका है लेकिन अगर हम लोग बीसवें दिन की बात करें ऑन द ट्वेंटी डेज बीसवें दिन में फुली इंडिपेंडेंट हो चुका है और जो है वो नेस्ट जो है ना वो छोड़ चुका है शॉर्ट ट्रिप्स के जरिए बीसवे दिन क्या हुआ है फुली इंडिपेंडेंट फुली इन डी पेंडेंट हो चुका है लिविंग दी नेस्ट फॉर शॉर्ट ट्रिप्स और नेस्ट को भी छोड़ चुके हैं विद हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिप्स लिविंग द ने

एट डे में फुल है और खा रहा है ईट कर रहा है ईटिंग सॉलिड फूड को सॉलिड फूड को अब तीन और चार हफ्तों के अंदर अंदर ये इंडिपेंडेंट भी है और मेटरनल नेस्ट को भी छोड़ जाता है ठीक है विद इन थ्री टू फोर वीक्स थ्री टू फोर वीक्स के अंदर अंदर ये क्या है इनडिपेंडेंट है इनडी अब तक इसमें सेक्सुअल मेचोरिटी भी आ चुकी है और लीव कर जा सकता है ये मेटरनल नेस्ट को नेस्ट को अगर हम लोग बैंडिकोटा बैनगेलेंसिस की बात करें किसकी बैंडिकोटा बैनगलैसिस की बात करें तो वो अप्रोच करता है अडल्ट साइज में थ्री मंथ्स के अंदर ठीक है बैंडिकोटा बैंडिकोटा बलेंसिस अडल्ट साइज को पहुंचता है विद अबाउट थ्री मंथ्स तीन महीनों में ये अडल्ट साइज तक पहुंचता है बैंडिकोटा बस लेकिन अगर माइस की बात करें तो ये पहुंचता है अडल्ट साइज में सिक्स वीक्स के अंदर कितने वीक्स में सिक्स वीक्स के अंदर ये जो है वो पहुंचता है ये था बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट क्लियर है अगर बात करें हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से किसके हवाले पॉपुलेशन ग्रोथ के वाले से पापुलेशन ग्रोथ तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसे बेसिकली अगर शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड हो ठीक है और पोस्ट पार्टियम एस्ट कंडीशन हो लेकिन उसके साथ साथ लार्ज लीटर साइज भी हो और उसके बाद रैपिड मैचुरेशन भी यंग की हो तो ये सारी की सारी करेक्ट्रिस्टिक जो है वो डोडेंट पॉपुलेशन को जो है वो इनके जो है ना वो रैपिड ग्रोथ में अहम करदार अदा करती है रैपिड इंक्रीज हो रोडेंट पॉपुलेशन का तो इस तरह से जो है वो वर्ड जो है ना उसमें जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो, जो है ये स्पीशीज बन जाती है और इसमें कबू पाना भी इंतहाई ज़रूरी हो जाता है ये पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से डिस्कशन किया अब जो है ना आमतौर तो पर जो पॉपुलेशन होती है इसमें क्या होता है रिडक्शन हो जाती है साइज की वो क्यों हो जाती है कि कुछ पॉइंट के जरिए एज अ पेस्ट इसको जो है वो मार दिया जाता है ठीक है और यहाँ पे इसको रिकवर किया जाता है स्लोली पहले ठीक है और बाद में जो है ना इनका जब बहुत तेजी से जो है ना इनका जो है ना वो रेट बढ़ जाता है तो इन क्या की जाती है पेस्ट मैनेजमेंट के जरिए इनको इनका कंट्रोल किया जाता है क्लियर है मैंने इसमें क्या बात की मैंने कहा शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड ठीक है पोस्ट पार्टियम एस्ट्रियस कंडीशन लार्ज लीटर साइज इसके साथ साथ रैपिड मैचुरेशन ऑफ यंग ये, ये सारे की सारे कौन सी हैं जो कि रोडेंट पॉपुलेशन को क्या करती हैं इनकी रैपिड ग्रोथ करवाती है ठीक है शॉर्ट गेस गेस्टेशन पीरियड पोस्टपार्टम एस्ट्रेशन कंडीशन लार्ज साइज़ रैपिड मैचुरेशन ऑफ यंग ये किस तरह जाती हैं कि इंक्रीज हो इनकी पॉपुलेशन इनका रेट क्या हो ज्यादा बढ़े अब जबकि रैपिड इंक्रीज है रोडेंट पॉपुलेशन इस तरह से क्या हो रहा है ये वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पेस्ट स्पीशीज हो जाती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड पेस्ट स्पीशीज पेस्ट स्पीशीज क्लियर है इस तरह से क्या हो जाती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड बेस्ट खिलाती हैं जब इनका जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए अब इनके बहुत ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि लिमिटेशन ऑफ फूड वाटर शेल्टर ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है ठीक है इस तरह से पॉपुलेशन जो है ना टेन टू लीव ऑफ अगर चेंजिंग इन्वायरमेंट हो जाता है अनचेंज कंडीशन आ जाती है तो पॉपुलेशन जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि वो इसेंशली उस लेवल तक पहुँच जाए इस तरह से जो है ना वो फ्लैक्चुएट करे साइज़ के अंदर और कैरिंग कैपेसिटी जो है ना वो इन्वायरमेंट की यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर जो है इसकी क्रिएट हो जाए तो बेसिकली जब इनको उनके फेवरेबल कंडीशन मिलेगी देन ही ये खुद को ग्रो करवा सकते हैं अदरवाइज इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी वो डिक्लाइन हो जाएगी एट अ कैरिंग कैपेसिटी लेवल तक इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है रोडन की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में क्लियर ये इनकी कैरिंग कैपेसिटी में मैंने आपको बताया तो खुराक की कमी हो सकती है वाटर शेल्टर ठीक है तो ये बेसिकली एक लिमिटेड फैक्टर्स हैं जो कि इनकी जो है वो पॉपुलेशन को कम करवाने में अहम किरदार अदा करती है लिमिटेशन कहाँ पे आ जाती है फूड वाटर शेल्टर में दैट बिलोंग टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट कैरिंग कैपैसिटी ऑफ द इनवायमेंट क्लियर है तो ये सारी चीजें क्या करती है आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं